इशारा करा हाँ फोन पे समझा के बोला मैं हाँ क्या करा ये सीन क्रिएट करा का यहाँ के डरा रहा यहाँ पर साहब कोई भी नहीं डरने के लिए क्या है साहब सतानु वाला नहीं क्या क्या सता रहे बिल नहीं बने वालों को बिल थोड़ा थोड़ा बनने को लिस्ट देता हूँ बड़ी लिस्ट जाते दूसरे एरिया में तुम जाते तुम या तुम्हारे बड़े जाते मैं पूछ रहा हूँ तुम या तुम्हारे बड़े जाते क्या पूछ रहा हूँ मैं हाँ क्यों ऐसा होशियारियां कर रहे हैं तमाशा क्यों कर रहे हैं तुम घर में डायरेक्ट हो गया बोलो कौन है वो डायरेक्ट तुम्हारे घर घर में कैसा चलेगा तू अंदर घर में कैसा गया आप डिपार्टमेंट के कम से कम 25-30 जने ऐसा वाली बता रहे खराब बता रहे तुम इन्होंने लाख तोड़ा बोले कैसा गया घर में उसके साहब कैसा गए पूछा भाई नहीं गए साहब कैसा गए नहीं गए साहब कैसा घरों में भेज रहे हैं आप तुम्हारे से ऐसा बोलो मैं यही हूँ बोल के ये गलती करा मैं ये क्यों कहा घर के अंदर किसी के क्या नाम है आपका विनोद कुमार है सर मैं आया आपसे बात कर बात करा मैं आपसे इससे पहले बात करा मैं आपसे एडी से कॉन्फ्रेंस में लेके कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा था मैं नहीं आप लोग यहाँ काम नहीं करते आप लोगों को जरूरत नहीं है क्या ये तमाशा करने के वास्ते सीन क्रिएट करो क्या कैसा कैसा गुस्सा हुआ इसके घर में क्या नाम है आपका हमारे विनोद कुमार इसको समझाओ इसको हद में रह के काम करो बोलो हद में रह के काम करो बोलो ये दादागिरी नहीं चलती यहाँ पर बघर आप बोले घर के अंदर चले जा रहे लेडीज रहती वहाँ पर वो लॉक है तो लॉक तोड़ देता हूँ मैं वो कर देता हूँ ये काम मत कर बेटे ये काम नहीं करना मैं समझा दे रहा हूँ मैं आपको मैं इससे पहले भी समझा इससे पहले भी समझा रहा हूँ मैं समझाया मैं आपको कैसा गए इनके घर में तुम साहब नहीं गए मैं आ गया भैया पूरे पूरे कर रहे ना कौन दूसरा है तुम इज कर रहे ऐसा दिख रहा मैं लिस्ट देता हूँ तुम्हारे को तुम्हारे एडी को सुनो तुम पहले तुम्हारे को तुम्हारे एडी को लिस्ट देता हूँ सुनो तुम पहले मेरी बात को आपको आपके एडी को लिस्ट देता हूँ जाके उसूल करो बोलो वहाँ पर सुने गरीब लोग सुबह बंडी लेके निकल जाते घर में कोई मर्द नहीं रहता ये एरिया में आप चले जा रहे हैं आप निकल के डरा रहे हैं लेके चार चार छह छह को लेकर आके क्या बता रहे हैं तुम गरीब लोग हैं पूरे बंडी वाले अरे साहब